गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, ग्यारहवें दिन के कृत्य विधान को भी बतलाइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, ग्यारहवें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अधर्व देहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और ग्यारहवें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की और तामर से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से बेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से बेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुसमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अप सभ्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्म और शिव तथा धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और दस घट आदि का दान करें। अंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होएं, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुओं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंत काल में ना किए जा सके हो, सत्य सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोजक, मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी, अत्यंत बछड़े, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृष का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा कूर और सिंह पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्तनील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो तथा पूंछ तथा खूर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंग कहा गया है। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बबरू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो तथा दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है।
बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए तथा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरवादी नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृक्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृक्षोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृक्षोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ वृक्षोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृक्ष यज्ञ वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तद मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की मात्रा गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधि विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्रकुंभ के जल से स्नान कराएं, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुनः इस मंत्र को पढ़ें। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवान से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ, अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग कर्म करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर और कर्क में विष्णुवत विषुवत संक्रांतियों मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षिन, अपुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उस वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था कौमार पौगंड यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्र दोही कृतघ्न सूरापान करने वाला गुरु पत्नी गामी ब्रह्म हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं, इसलिए हेताक्षर सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। पत्नी पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृष को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान में द्वार पर अधमार्ग में चिता में सबके हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है, उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें।
चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह, हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्यवाह, कव्य वहन करने वाले अग्नि को, तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करें, आठवां पिंड रुद्र को, नवा पुरुष को, दसवां प्रेत को और ग्यारहवां पिंड विष्णु को प्रदान करें, बारहवां पिंड ब्रह्मा को, तेरहवां विष्णु को, चौदहवां शिव को, पंद्रहवां यम को और सोलहवां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। अंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊन साणमासिक और उन्ना बदिक इन श्राद्धों को उसम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया हे ताक्षर्य, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश सत्रह संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करते हैं तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की औधर्भदेही क्रिया, स्वयाह श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध यानी महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है वह प्रतिवर्ता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पेटी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा सांख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके स्पिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सैया दान और पद दान करना चाहिए।